हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। जय माता दी। तो आज है रामनवमी और हमारे यहाँ पे हम लोग नवमी का पूजन करते हैं। बहुत सारे लोग अष्टमी पूजते हैं बट मैं शुरू से ही नवमी पूजती हूँ और यहाँ मेरे ससुराल में भी सब नवमी पूजते हैं, मेरे मायके में भी पूजते थे। तो अभी हम कर लेते हैं अपनी पूजा स्टार्ट। सबसे पहले उठते ही नहा धो के मैंने पूजा करी है अपनी, जो मेरी नॉर्मल रेगुलर बेसिस पे जो 9 के 9 दिन पूजा होती थी वो पूजा करी है, कथा पढ़ी है और उसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़ के और फिर करी है मैंने आरती। और आरती करने के बाद मैंने अपना किचन का जो काम था, जिसमें कि प्रसाद बनाने का काम था, वो सारा काम किया है। क्योंकि सुबह में आज हम लोग रात को जागरण में गए थे, उसका वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा जागरण का भी। तो सुबह सुबह में हम लोग 7 बजे आए हैं घर पे और आते ही मैं नहा धो के खाना बनाने लग गई थी, फिर भी मेरा काम जो है वो 1 बजे ख़त्म हुआ है पूरा। कन्या मैंने 11 बजे बिठाई है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि मैं सब्जी में छौंक लगाने की तैयारी कर रही हूँ। छोले की सब्जी बनानी थी हमने आज, तो इसलिए मैंने सब्जी में छौंक लगाया सबसे पहले और उसके साथ ही साथ मैंने वो किया चने जो होते हैं, छोले की सब्जी थी और जो काले चने होते हैं, काले चने का जो प्रसाद होता है वो चने, इसके साथ के साथ मैंने उसका भी मिक्सचर तैयार कर लिया था छौंक लगाने का। ये मैं वही कर रही हूँ। पहले सारे मसाले एक कटोरी में लेके और उसके बाद उसमें पानी डाल के इनको मिक्स करके रख देती हूँ और उसके बाद इनसे छौंक लगाती हूँ। बहुत सारे लोग खाली जीरे का छौंक लगाते हैं बट मैं ऐसा नहीं करती। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, तेल डाला हल्का सा, फिर हींग डाल के और ये जो भी मसाले, जीरा डाल के और जो भी मसाले मिक्स करके रखे थे, मिक्सचर बना के रखा था, ये थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया उस तेल के अंदर, इसको मिक्स किया, थोड़ा सा पकने दिया इन मसालों को और उसके बाद उसमें कर दिए ये चने ऐड। और चने ऐड करने के बाद मिक्स करके इसको ढक के रख दिया पकने के लिए 2 मिनट के लिए, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो सारा चनों में चला जाए। तो इस तरीके से अगर आप चने बनाते हो तो बहुत ही यम्मी बनते हैं। उसके बाद मैंने साथ के साथ पूरियों का आटा लगा लिया बट ये आटा कम पड़ गया था, तो बाद में मैंने मम्मी जी से दोबारा लगवाया था। बाकी का सारा काम मैंने खुद ही किया था। तो आटे में वही नमक, अजवाइन थोड़ी सी और हल्का सा तेल या घी जो भी आप लोग डालते हो वो डाल के और हम आटा लगा लेते हैं। आटा लगा के रख दिया साइड में और उसके बाद एक कढ़ाई में घी डाल के और उसमें सूजी डाल के हलवा बनाने की तैयारी कर ली साथ के साथ, क्योंकि एक साथ इतने सारे काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बट प्रसाद बनाने के लिए सारा काम जल्दी जल्दी करना ही था, क्योंकि फिर कन्या जो है वो नहीं मिलती। और वही मेरे साथ हुआ आज, मैं लेट हो गई और मुझे कन्या नहीं मिली बहुत ही देर में। मम्मी ढूंढ ढांड के लाई बहुत आगे से, पहले तो बोला कि मंदिर में दे देते हैं प्रसाद, वहाँ बैठी होंगी। मैंने कहा नहीं, मैं घर में बिठाऊँगी। तो फिर मम्मी ढूंढ ढांड के लाई, 2-3 ही मिली, वो मैं आगे दिखाती हूँ, चलिए आपको कोई बात नहीं। तो ये अभी जो है मैंने तेल डाल लिया है उसके लिए, पूरियों के लिए तेल डाल लिया, क्योंकि हलवा बन गया, चने बन गए, सब्जी बन गई, अब बस पूरियों की बारी है। हमारे में हलवा पूरी और चने का भोग माता रानी को ज़रूर 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 लगता है और यही माता रानी का प्रसाद होता है। हर किसी का तरीका अलग होता है त्यौहार मनाने का, सबके घर में अपने अलग तरीके से त्यौहार मनते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरीके से मनता है, बिना हलवा पूरी चने के माता रानी का प्रसाद जो है वो अधूरा माना जाता है हमारे में। तो इसलिए ये सब उन्हीं चीज़ों की तैयारी हो रही है। फटाफट फटाफट पूरियाँ बनाई मम्मी ने, तब तक दूसरा आटा लगाया। उसके बाद मैंने जाके करी अपनी कन्याओं की प्लेट की तैयारी। मम्मी ने कहा तू वो कर ले, बची हुई पूरियाँ बाद में बनाएंगे, पहले कन्याओं का डाल डाल के रख दे सारा और फिर मैं जाके ढूंढती हूँ नीचे कि मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्लेट्स लगा दी थी और उसके बाद मैं ये सबसे पहले जो है माता रानी का भोग निकाल रही हूँ। एक सबसे पहली पूरी, उसके ऊपर हलवा और थोड़े से चने, और ये मैंने मंदिर में रख के भोग लगा दिया था। उसके बाद मैंने प्लेट्स में डालने शुरू किए थे। तो सबसे पहले मैंने प्लेट्स में डाले हैं काले चने और ये काले चने जो है वो मेन प्रसाद में मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ही जो है प्रसाद को इतना स्वाद बना देता है, हलवा और काले चने। और आज इतना सारा हलवा मैंने पहली बार बनाया अपनी पूरी लाइफ में, मैंने कभी हलवा नहीं बनाया था। पहले तो मुझे आता ही था, मम्मी जी बनाती थी, बट अभी धीरे धीरे करके मैं सीख गई हूँ, क्योंकि अयान के लिए बीच बीच में बनाती रहती हूँ, तो इसलिए आज इतना सारा बनाया। और बीच में अयान आ गया मेरी हेल्प कराने के लिए, मम्मा फ्रूटी मैं रखूँगा सबकी प्लेट में, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ तो बच्चे बचपन से वही सब चीज़ें सीखते हैं जो माँ बाप सिखाते हैं, बोलते हैं ना जैसे माँ बाप संस्कार देते हैं वैसे ही बच्चा बड़ा होता है। तो अगर हम अपने बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे अपने साथ, बताएंगे कि माता रानी हमें क्या क्या देती है, क्या वैल्यू है, तो उस हिसाब से बच्चा जो है रिएक्ट करेगा पूरी ज़िंदगी भर। तो इसलिए अयान ने यहाँ पे मेरी हेल्प करवाई। और पूजा में भी अयान हमेशा रोज़ आता था मेरे पास, तिलक लगवाता था, आरती करता था थोड़ी थोड़ी मेरे साथ। और उसके बाद अयान लेके आया
इतनी सारी चॉकलेट्स, मम्मा ये सारी चॉकलेट, और बच्चा इतना समझदार है, एक भी चॉकलेट खुद ने नहीं खाई, मम्मा पहले कन्याओं के लिए रख दो। तो इस तरीके से आज अयान ने करवाई है मेरी पूरी हेल्प, और ये सारी प्लेट्स ऑलमोस्ट हो गई हैं रेडी, सारा सामान आ गया है, अब बस पैसे रखने की बारी है। सो मैंने प्रसाद में क्या क्या दिया है, हलवा, पूरी, चने, नारियल, फ्रूटी, एक चॉकलेट और एक एक बनाना। मेरे मन में थी पेठे की मिठाई लाने की, या फिर वो जो लड्डू आते हैं छोटे वाले, उनको बोलते तो हैं चौलाई के लड्डू, हाँ मुझे याद आया, बट मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि कल हम लोग जागरण में गए थे, तो मैं उसके लिए परसों ही खरीद के चली गई थी सारा सामान। ये देख रहे हो आप, सिर्फ ये तीन कन्या मिली और एक कन्नू मिला, दो कन्या और आई थी बट वो छोटी बच्ची थी, वो रोने लग गई तो वो चली गई वापस। और यहाँ पे फिर मैंने इन लोगों का पूजन किया, पूजन कैसे किया वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम करते हैं तिलक, ये तिलक लगाया सारी कन्याओं के, तो बहुत छोटी कन्या थी तो नहीं लगवा रही थी बट फिर भी मैंने लगा दिया। और उसके बाद जो बचे हुए थे जितनी भी, हर बार पता क्या होता है इतनी सारी कन्या आती हैं कि जो सामान होता है वो कम पड़ जाता है, अब की बार मैं बहुत एक्स्ट्रा सामान लेके आई थी ये सोच के कि बहुत सारे बच्चे आते हैं ना तो अपने घर पे कोई आए और उसको खाली हाथ भेजो तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं बहुत सारा सामान लेके आई, अब की बार कन्या ही नहीं मिली, मम्मी इतना ढूंढ ढांड के लेके आई, फिर मुझे याद आया अरे मैंने अपने कड़े तो किचन में रखे हैं काम करते हुए निकाले थे, फिर मैंने इससे मंगाए कि भाई ला के दे मेरे को, कड़े पहन के पूजा करूँगी मैं। तो ये आपको दिख रहा है तिलक लगा दिया है, धागे बांध रही हूँ सबके हाथ में, और उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हाँ सबके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया था, उनके चरण धोए थे, और उसके बाद इन लोगों को मैंने खाना खिलाया कि आप थोड़ा थोड़ा खाओ अपने आप से, जितना आपका मन करे उतना खा सकते हो। उसके बाद इन लोगों से मैंने आशीर्वाद लेके और कर दी थी इन लोगों की विदाई, और जो बची हुई प्लेट्स थी वो मैं इधर उधर जाके, जो भी मुझे छोटी कन्या बड़ी कन्या जो भी दिखाई दी आसपास नीचे बगल में जहाँ भी, वो सब मैं जाके उन लोगों को दे के आई, क्योंकि 9 प्लेट्स तो करनी ज़रूरी थी, मैं हमेशा 9 कन्या तो बिठाती ही बिठाती हूँ। एक प्लेट मेरे अयान की थी उनके अलावा, और एक एक प्लेट टिया और परी की थी। तो इस तरीके से किया हमने आज अपना कन्या पूजन, जिसको करने के बाद मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। ऐसे तो थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है कि अभी तक 9 दिन तक लगातार अखंड ज्योत हो रही थी, माता रानी का ध्यान रहता था, ध्यान तो आगे भी रख सकते हैं बट वही है ना, एक कोई प्रॉपर चीज़ होती है तो वो उसके टाइम पे ही होती है। अब जैसे माता रानी के दिन चल रहे हैं, 9 दिन चल रहे हैं, तो माता रानी के बारे में सोचना, उनकी भक्ति करना, तो ये सब एक बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है, मन को शांति देता है। अब कल से वही बैक टू नॉर्मल लाइफ। अभी अयान पूछा था, मम्मा अब हम प्याज खा सकते हैं, लहसुन प्याज खा सकते हैं, क्योंकि 9 दिन तक मेरे घर में तो लहसुन प्याज का शौक लगा नहीं। तो मैंने बोला बेटा आज आज और है माता रानी का दिन, इसके बाद कल से आपका जो मन करे आप वो खा सकते हो। लेकिन वही बात है, अब आज हो जाएंगे पूरे तो थोड़ा सा मन भी उदास सा हो जाता है कि अरे, जैसे गणपति जी जब जाते हैं तो लगता है ना, जब आते हैं तो कितना सब लोगों को एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन जब जाते हैं तो सब लोगों को लगता है अरे हमारे से विदाई ले रहे हैं, तो वही वाला हिसाब है। माता रानी तो कहीं जाती नहीं है, रहती तो घर में ही है हमारे, पर फिर भी थोड़ा सा लगता है ना, एक नॉर्मल रूटीन में कोई चीज़ हम रेगुलरली कर रहे होते हैं और फिर एकदम से उस चीज़ में चेंज आ जाए तो लगता है उस तरीके से। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से माता रानी ने अपनी कृपा मेरे पे बनाई है, उसी तरीके से माता रानी अपनी कृपा आप सभी लोगों पे बना के रखे जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, और जिसने भी जो भी मांगा है माता रानी से इन 9 दिनों में, वो सब सबको मिल जाए, सबको खुश रखे माता रानी, सबको लंबी उम्र दे, और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा सब पे बना रहे। देखो छोटी छोटी माता रानी मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है, बोलते बोलते डरते डरते सी हाथ लगा रही थी, मैं बोल जा रही बेटा लगाओ हाथ, रखो आशीर्वाद दो, तब जाके इन्होंने आशीर्वाद दिया। तूने उनके साथ बैठ के क्यों नहीं खाया बेटा, हैं मन क्यों नहीं था भाई, जब प्लेट उनके साथ की ली है आपने तो खाना चाहिए ना उनके साथ बैठ के। अच्छा बताओ कैसा है प्रसाद, हैं क्या कह रहा है, चने नहीं खाने, हलवा कैसा है, जा उठो एक बार दादी बुला रही है, खा लो चलो फटाफट खाओ, हलवा खिला दो इसको, खा के देखो एक बार, छोड़ दे छोड़ दे, दादी खिलाएंगे अपने, अब छोड़ दो बेटा दादी। हाँ कैसा है,
अच्छा है, ठीक है। अब जरा ये वाली प्लेट को दे देते हैं। तो गुड मॉर्निंग, जय माता दी। मैं यही वेट कर रही हूँ, सच में। मम्मी को कल ही कह रही थी इस चीज़ का। थैंक यू, वेलकम। तो जी, आज के व्लॉग में रखते हैं बस इतना ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हम लोग रात को गए थे जागरण में और सुबह आते ही मैं काम में लग गई, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। अब मैं जा रही हूँ सोने, और जो जागरण का व्लॉग है वो इस व्लॉग के बाद आएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। बाय बाय।